अगर आप एक डॉग लवर हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, हमारे डॉग वर्सेस डॉग की सीरीज में आज हम बात करेंगे जर्मन शेफर्ड वर्सेस पिटबुल के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जर्मन शेफर्ड का ओरिजिन जर्मनी से है। जर्मन शेफर्ड वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर डॉग की रैंकिंग लिस्ट में नंबर 2 पर आते हैं और वर्ल्ड इंटेलिजेंस रैंकिंग लिस्ट में नंबर 3 पर आते हैं। जर्मन शेफर्ड अपने ओनर के लिए बहुत ही लॉयल होते हैं और स्ट्रेंजर्स के सामने ये बहुत ही एग्रेसिव हो जाते हैं। ये बहुत ही अच्छे फैमिली डॉग्स होते हैं, लेकिन इन्हें बचपन से ही सोशलाइज करवाना जरूरी होता है। इन्हें बचपन से ही छोटे बच्चे और दूसरे डॉग्स के साथ मिलजुल कर रहना सिखाना चाहिए। जर्मन शेफर्ड इंटेलिजेंट तो होते ही हैं, साथ ही ये अच्छे गार्ड डॉग्स भी होते हैं। इसी वजह से इन्हें पुलिस फोर्स और मिलिट्री फोर्स में यूज किया जाता है। पिटबुल का ओरिजिन यूनाइटेड स्टेट से है। पिटबुल डॉग टेरियर और बुलडॉग की क्रॉस ब्रीड है। ये फियरलेस और स्ट्रांग होते हैं, इसी वजह से लोगों में इनकी रेपुटेशन थोड़ी बैड है। पिटबुल डॉग फ्लोरिडा, ग्रेट ब्रिटेन और न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज में बैन है, पर अब धीरे धीरे कुछ कंट्रीज में इन पर से बैन हट रहे हैं। ये एक मीडियम साइज डॉग ब्रीड है। ये पावर और अग्रेशन के लिए जाने जाते हैं, पर अगर आप इन्हें बचपन से ही अच्छे से सोशलाइज करें तो ये एक अच्छे फैमिली फ्रेंडली डॉग्स भी बन सकते हैं। इन्हें हर रोज 1 घंटे की एक्सरसाइज की जरूरत होती है और इन्हें रखने के लिए एक बड़े घर की जरूरत होती है। अगर आप एक फर्स्ट टाइम ओनर हैं तो ये डॉग ब्रीड आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। इन्हें अपने ओनर के साथ रहना बहुत पसंद होता है। अगर इन्हें लगे कि कोई स्ट्रेंजर्स इनके ओनर पर हमला कर रहा है तो ये उसकी जान भी ले सकते हैं। जर्मन शेफर्ड ब्लैक, ब्लैक एंड टैन, सेबल, रेडिश ब्लैक, ग्रे और ब्लैक एंड सिल्वर एंड व्हाइट कलर्स में पाए जाते हैं और इनका कोट लॉन्ग होता है, जिस वजह से इन्हें रेगुलर ग्रूमिंग की जरूरत होती है। इनका शेडिंग सीजन 6 और 8 मंथ में आता है। पिटबुल डॉग ब्लैक, ब्लैक एंड टैन, ब्राउन, ग्रे, व्हाइट, रेडिश ब्राउन और फोन कलर्स में पाए जाते हैं। इनका कोट एकदम शॉर्ट होता है, इसी वजह से इनको ग्रूमिंग करना बहुत ही आसान होता है और इनका शेडिंग सीजन 8 to 9 मंथ्स में आता है। जर्मन शेफर्ड का फूड प्लस ग्रूमिंग प्लस मेडिकल का खर्चा पर ईयर 20 to 25,000 तक का आता है। इनकी एवरेज हाइट 22 to 26 इंचेस होती है। इनका एवरेज वेट 23 to 40 kg तक होता है। इनकी लिटर साइज 6 to 10 पपीज होती है। इनका लाइफ स्पेन 10 to 13 इयर्स तक का होता है। जर्मन शेफर्ड की प्राइस मोर देन 12,000 हो सकती है। पिटबुल का फूड प्लस मेडिकल प्लस ग्रूमिंग का खर्चा पर ईयर 20 to 35,000 आता है। इनकी एवरेज हाइट 18 to 20 इंचेस होती है। इनका एवरेज वेट 15 to 30 kg तक होता है। पिटबुल की लिटर साइज एवरेज 5 to 10 पपीज तक होती है। इनका लाइफ स्पेन 9 to 15 इयर्स तक का होता है। पिटबुल की प्राइस मोर देन 20,000 हो सकती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का डॉग वर्सेस डॉग का वीडियो, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी फेवरेट डॉग ब्रीड कौन सी है।